बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक यूनिक सी रेसिपी, जो कि रसमलाई शेक है। आज इस रेसिपी में जो रसमलाई मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वही रसमलाई है जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई थी। ये रसमलाई मैंने आप लोगों को विदाउट बेकिंग पाउडर, विदाउट मैदा बनाना सिखाई है। मैंने इस रसमलाई को बनाने के लिए सूखा दूध इस्तेमाल किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक पहले मैंने रसमलाई ले ली है, यहाँ पर बर्फ़ रखी है, इस पर ज़रूरत इस्तेमाल कर लूँगी। यहाँ पर चीनी है और मैं 1 टी स्पून चीनी इस्तेमाल करूँगी, और यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध रखा है। तो चलिए आइए हम रसमलाई मिल्क शेक को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी रसमलाई, फिर मैं इसमें डालूंगी दूध। दूध मैंने जो है वो इतना इस्तेमाल किया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून चीनी, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रसमलाई मिल्कशेक जो है वो बन करके तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देखें कितनी क्रीमी हमारा रसमलाई मिल्कशेक बन करके तैयार हुआ है, और ये पीने में भी इतना क्रीमी होगा। तो चलिए इसे सर्व करते हैं और फिर मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। तो जनाब देखिए, क्रीमी सा, यमी सा, यमी टेक्सचर के साथ और फुली क्रीमी टेक्सचर के साथ रसमलाई मिल्कशेक बन करके तैयार है। अब मैं सर्विंग के लिए इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़े से बादाम, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर दीजिए। और जनाब ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी ख़ुद की इन्वेंशन है। रसमलाई बनाई थी तो मैंने कहा आप लोगों को रसमलाई मिल्कशेक बनाकर भी दिखाया जाए, तो आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही क्रीमी बनता है। आपको इसकी सरफेस नज़र आ रही है? तो जनाब देखिए कितना क्रीमी है, तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो चली हूँ इसको टेस्ट करने, और फिर टेस्ट करके आपको मैं बताती हूँ कि कितना मज़े का था। आप लोग इस रेसिपी को घर में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और आपके घर में बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी जनाब इसे करते हैं टेस्ट। तो चलिए मैं तो चली इसे टेस्ट करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आई रिकमेंड यू 100% कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस जैसी चीज़ आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेगी। खुद घर में बनाया हुआ, इतनी प्यार मोहब्बत से बनाया हुआ खुद, ये बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी है। आप एक दफ़ा तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप एक दफ़ा ट्राई करके इसका रिज़ल्ट देखिएगा, और फिर आप डेफिनेटली अगेन एंड अगेन रसमलाई भी बनाएंगी और इसका शेक भी बनाएंगी। तो मिलती हूँ आपसे एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर तो आप नए हैं, मेरी इस वीडियो को थम्स अप करके इसे आगे ज़रूर फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।